इज्जत माप सदर इजलास, साथी अंदर साहब, बैठे हुए हमारे सीनियर और अजीज तलबा और तालिबा, मेरा ताल्लुक अभी जैसा मैं कल से देख रहा हूँ कि फोकस है तदरीस पर कि कौन सी सिंफ कैसे पढ़ाई जाए, तो अगर मुझे इस तरह की मालूमात पहले होती तो मैं हुरूफ़ तहजी को पढ़ाने को तरजीह देता कि उसको कैसे पढ़ाया जाए। बड़ा मसला आज हुरूफ़ तहजी का है कि बच्चों को ये नहीं मालूम है कि कौन सा हर्फ किस ग्रुप का है। दाल दाल जाल रे रे दे, ये दो अलग ग्रुप हैं, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन लिखने वाले, और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकली जब आते हैं तो कंप्यूटर में भी वही चीज़ें उनके साथ रहती हैं। बहरहाल मेरा जो मौजू है उसमें तीन हिस्से हैं, तदरीस है, जालिबैन है और तहकीक है। तदरीस, नेक्स्ट स्लाइड। तदरीस के बारे में ये कुछ चीज़ें जो मैं महसूस करता हूँ या इधर उधर से मैंने हासिल किया है। तदरीस एक महज़ब शरीफाना और पैगंबराना पेशा है, तो लिहाजा ये जितनी अजमत रखता है उसके सायाने शान हमें मेहनत करनी चाहिए और उसी तरह का काम हमें करना चाहिए। तदरीस वो पेशा है जो दूसरे तमाम पेशे, दुनिया में जितने पेशे बनने हैं वो सब इसके बाद ही वजूद में आए हैं। तालीम तदरीस इंसान की फितरी ज़रूरत है, इब्ने खल्दून ने कहा है। इल्म और इंसानियत का गहरा ताल्लुक है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, और अल्लामा इकबाल का कौल है कि तालीम तदरीस ऐसी हो जिससे बच्चे का वजूद दुनिया के लिए जीनत बन जाए। यह है तदरीस की अहमियत। तदरीस क्या है? तदरीस कोयले को कुंदन बना सकती है, यानी सोना बना सकती है। तदरीस की अहमियत के पेश नजर ही असातिज़ा को मेमारे कौम कहा जाता है। तालीम ही से इंसान, खानदान, मुआशरा और कौम में तब्दीली मुमकिन है। आगे तदरीस की अहमियत यह है कि जिस कौम का तालीमी निज़ाम जैसा होगा उस कौम का निज़ाम हयात भी उसी तरह का होगा, यानी जो कौम बहुत एडवांस होगी उसका तालीमी निज़ाम भी बहुत एडवांस होगा। ये आप प्रैक्टिकली कहीं से भी अखद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तालीमी निज़ाम का इन्हिसार असातिज़ा पर है, लिहाजा उसकी मनसबी जिम्मेदारियों की अहमियत कौम को उसकी ज़रूरत और तलबा के मुस्तकबिल की जमानत को देखते हुए मुआशरे में इसकी काफ़ी तौकीर होती है। इसीलिए असातिज़ा से मुआशरा बहुत सी तवक्कात भी रखता है और हमें उस तवक्को पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। जाहिर है कि तदरीस किसी उस्ताद के जरिए होगी तो उसकी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तलबा अपने असातिज़ा से शौरी या लाशौरी तौर पर मुतासिर होते हैं, इसलिए उस्ताद की शख्सियत, जाजिब नज़र, पुरखलूस अंदाज तखातुब, मौसर ज़की, इल्म का बहता हुआ दरिया, हौसला मंदाना, दूर अंदेशाना, जाविया नज़र आलमाना होना चाहिए, क्योंकि उसके कंधे पर कौम की तामीर की जिम्मेदारियां हैं। आम तौर से ये समझा जाता है कि टीचर होना सबसे आसान है, UPSC नहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ तो चलो उर्दू पढ़ लेंगे, लेकिन याद रहे कि साइंस को पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा मुश्किल उर्दू का पढ़ाना है, क्योंकि उर्दू में आमतौर से यही है कि टीचर बनना सबसे आसान है, और अगर उर्दू का टीचर बनना है तो वो सबसे आसान काम है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन उर्दू का उस्ताद होना साइंसी उलूम के उस्ताद के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि उर्दू उस्ताद को उर्दू ज़बान व कवायद, इस्लामी तारीख, हिंदुस्तानी तारीख, जुग्राफिया, आलमी तारीख, साइंस, फ़लसफ़ा, तहजीब व तमद्दुन वगैरह का जानना ज़रूरी है, क्योंकि अदब में मुख्तलिफ जावियों से इनका जिक्र आता है। उर्दू की तदरीस के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद खुद हरूफ तहजी, मखारिज और कवायद से वाकिफ हो, ताकि बच्चों को दुरुस्त तलफ़ुज़, मखारिज, इमला, जुमला और इर्शा सिखा सके। बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना और तफ़ीम इबारत के साथ साथ इबारत साजी सिखा सके। आजकल जो देख रहा हूँ मैं, अभी एक साहब बहुत एक्टिव हैं, आजकल भी उनका मज़मून है, इंशा में मज़मून है, बॉम्बे से एक आता है वहाँ भी मज़मून है, लेकिन आजकल में जो छपा हुआ मज़मून है उसका पहला जुमला गलत है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जब हम लिखते हैं इस लेवल पर, PhD होने के बाद भी ये खामियां क्यों दूर नहीं हो रही।
हमने एक काम ये किया है कि हम कवायद को बिल्कुल भूले हुए, हालांकि बाबा लोगों ने सारी बातें बताई हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं है। तो एक ही जुमले में माजी भी आ जाए, हाल भी रहे, फिर माजी में चला जाए, आदमी ऐसा नहीं होता। उसकी इबारत साजी का के कुछ उसूल हैं। एक पैराग्राफ जिस जमाने में लिखा जा रहा है वो पूरा पैराग्राफ उसी जमाने में होना चाहिए। तलफ़ुज़ की खामियां से थे गैन गाफ, ये मामूली चीज़ें हैं। जैसे आजकल आमतौर से खुशी बोला जा रहा है, खुशी खुशी नहीं है, खुशी है वो, तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, सब गलत, इसीलिए मैंने लिखा है। गालिब इकबाल कुरान, जाहिर है कि जब आप गैन नहीं अदा करेंगे तो फिर वो गालिब ही होगा, खुदा नहीं, खे अगर सही नहीं बोलेंगे तो खुदा नहीं बोलेंगे, खुदा होगा, जो सड़क में गड्ढा खुदा हुआ है उसकी बात होगी, वो खुदा आसमान वाला तो नहीं बोल सकेंगे, लिहाजा उसको भी। अब दूसरी बात ये है कि एक नीचे जो सेंटेंस है, आज के लिए चल आप ठीक हो या आप खैरियत से हो, ये सेंटेंस जो है आप क्या है, हम ताजीम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ताजीम तभी मुकम्मल होगी जब आप वाहिद के लिए फेल जो है प्लूरल यूज करेंगे, तभी आप ठीक हैं, आप अकेले हैं ठीक है, लेकिन जब तक फेल जो है जमा के सीगा का नहीं होगा तब तक वो जुमला दुरुस्त नहीं होगा। इन चीजों को, बहुत मामूली चीजें हैं लेकिन इनको ध्यान देने की जरूरत है। आगे उर्दू जबान की तदरीस के लिए जरूरी है कि अजाय कलाम का दर्स आला सानवी जमात तक हो जाना चाहिए ताकि तलबा की गिरफ्त जबान पर मुकम्मल हो। बुनियादी सतह पर कोताही का नतीजा उम्र भर पीछा नहीं छोड़ता है। एमए एमफिल और पीएचडी तक जुमला दुरुस्त नहीं है और तलफुज भी, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अब ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर आप समझ सकें, जो वहाँ सर्किल बना हुआ है, गुनाह का जूस है, ठीक है भाई, जो लिखा हुआ वो पढ़ना चाहिए ना, जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा। पहली बात ये बताऊं कि गन्ने का जूस नहीं होता, गन्ने का रस होता है, ठीक है, मौसम्मी का जूस हो सकता है लेकिन गन्ने का जूस नहीं होता, रस होता है, ये फर्क है। तो वो गुनाह का जूस है, और गुनाह का जूस कुछ ये हो सकता है जानबूझ करके किसी ने लिखा हो, इसलिए कि आजकल हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह का जूस भरपूर ले रहे हैं, अगर आप वहां तक पहुंच सकते हैं, भरपूर गुनाह का जूस वो ले रहे हैं, इसीलिए वो नीचे मैंने, अब ये देखिए, हाँ नहीं अगली अगली ये देखिए, ठीक है, ये यही बुनियादी तौर पर हमने हुरूफ तहजी इमला जुमला पर तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा है बेटी बिछाओ हाँ वो बेटी बिछाओ बेटी पढ़ाओ वो लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर गाड़ी खड़ी करना मना है, यहां पर, यहां एक लफ्ज है पर अलग है, वो यहां नपर नहीं है, यहां पर जैसे सूर तहाल कोई लफ्ज नहीं है, सूरत हाल है, तो हमने इजाफत हमजा और इजाफत जेर दोनों को मारा है। जैसे आजकल हर जगह वो शोभा उर्दू लिखा जा रहा है, शोभा उर्दू लाहौल वाला कुवत, उर्दू में शोभा उर्दू नाम की कोई तरकीब है ही नहीं, या तो शोभा उर्दू है या उर्दू का शोभा है, तो हमजा कहां गया पता नहीं चला। इसका मतलब यह कि हमने वो तरकीबें उर्दू में कैसे होती है उसको कब कहां कैसे पढ़ना चाहिए, अफसाना की हिमायत में पढ़ा जाएगा या अफसाने की हिमायत में पढ़ा जाएगा, इमारा हमने नहीं सिखाया बच्चों को, जो सानवी जमात तक मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि बच्चे अपने से सही पढ़ सके। आगे ये मैं जहां कुछ दिख जाता तो मैं फोटो खींच लेता हूं, तो ये लाल सर्किल, अगर वो इसका जो वो है सिस्टम का, उसका एक केबल खराब है इसलिए वो खुल के आ नहीं रहा। इज्जत माँ वजीर बुराई तालीम, ठीक है, कम से कम वहां 100-200 लोग तो रहे होंगे जब उसका उद्घाटन हुआ होगा, मैंने वो नाम वहां से हटा दिया, मिटा दिया ताकि पता न चले ना, लेकिन बुराई तालीम अगर उन लोगों ने देखा होता, उनको पता होता कि भाई बराए तालीम है, बुराई तालीम नहीं, वो तालीम की बुराई करने के लिए वजीर नहीं बना, तो अब इसको क्या करेंगे। आगे अब ये तो उससे भी बड़ा है, ये दिल्ली का नमूना है, ये है हाँ, ये यहाँ पर जो है ये बांडा फ्रील चीन सारमा मार्ग, ठीक है,
जबकि ये पंडित त्रिलोक चंद्र शर्मा मार्ग, ये दिल्ली का, ये क्या है, ये गूगल की कारखानी, जितने भी इंटर किया वहाँ पर उसने अंग्रेजी में इंटर कर दिया, उसका उर्दू उसने वहाँ से ले लिया और ये उसका गूगल ने करके दे दिया। उन्होंने उठा के देखने वालों ने ये तवज्जो नहीं दी कि जहाँ जो उर्दू वाला है, इसके पहले दिल्ली में जब हम लोग थे तो एक बार मूवमेंट चला था कि दिल्ली में जितने इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे हों सबको दुरुस्त कराया जाए। बाकायदा उसमें आम लोगों ने चंदा करके कहा था कि हम ठीक करा के लगा देंगे, सिर्फ आप हमें परमिशन दे दीजिए, तब तमाम बोर्ड सही किए गए। दोबारा से फिर वही हाल हो रहा है दिल्ली में। आगे ये एक चीज जो मैं अभी तक जो बातें करता रहा हूँ, मामूली मामूली चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। तो वो तो यहाँ पर गाड़ियाँ ठहराना 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 हे मिसिंग है। दूसरी बात ये है कि कल भी मैं यहाँ था तो उसमें एक लफ्ज़ है, आमतौर से लोग तुलबा और तलबा दो तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, जो हमारी तरह से एमए का तालिब इल्म होगा, बीए का तालिब इल्म होगा तो बेचारा परेशान होगा कि तुलबा बोले तलबा बोले। इमला का मामला ये है कि हम तलफ़ किसी लफ्ज का सुन के बोलते हैं, सुन के सीखते हैं, किताबों में पढ़ करके हम तलफ़ नहीं सीखते बल्कि सुन के सीखते हैं। तो जब तुलबा भी बोला जाएगा तलबा भी बोला जाएगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो। इसके लिए मैंने वो तलबा देखिए वहाँ पर उठाया, ये ऑनलाइन डिक्शनरी है, आप कहीं भी इसको तलाश कर सकते हैं। तलबा वो है, तालिब की जमा है, तालाबा उसकी तालिब की जमा है, जो तलबा है वो तलीब की जमा है, तलबा तलीब की जमा है, तलबा तालिब की जमा है, तालिब इल्म वो वाला जो है इससे है। यहाँ पर जो है ये तालिब इल्म शागिर्द जो दस गाहों में तालीम पाते हैं। अरबी का एक और लफ्ज है तलीब, इसकी जमा तलबा आती है मगर शागिर्दों के मानों में तलबा है, ये बता। दूसरी ये है यहाँ पर भी दोनों, मतलब जो डिक्शनरी है वहाँ पर ये बात साफ लिखी हुई है कि ये तलबा और तलीब में क्या फर्क है वो दिया हुआ, उसके बावजूद जो है हम लोग गौर नहीं करते। आगे अब आते हैं जालिबैन पर, जालिबैन और उर्दू तहकीक। जालिबैन दरअसल इंटरनेट का उर्दू मुतबादिल है, जिस तरह से इंटरनेट इंटरनेशनल और नेटवर्क का मुरक्कब है, ठीक उसी तरह से जालिबैन जालकार और बैन अल-अक़वामी का मुरक्कब है, यानी इंटरनेट का जो मुतबादिल उर्दू लफ्ज है वो जालिबैन है। इसकी वजह से जैसे ही हम इंटरनेट से जुड़ते हैं उस फौरन ही हम पूरी दुनिया से हमारा रابطہ जुड़ जाता है। इसके आने से हमारे लिए ये सहूलत है, हालांकि उर्दू में अभी विकिपीडिया उतना डेवलप नहीं हुआ है, मैं यहाँ जो बैठे हुए असातिज़ा हैं मैं चाहूँगा कि वो लोग अपने अपने इलाके की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके इलाके के अजीब हैं, आप उनकी इन्फॉर्मेशन कम से कम उर्दू विकिपीडिया को दे दीजिए। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको अपना ईमेल डालना है, एक पासवर्ड जनरेट करना है और इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। आगे जालिबैन के, अच्छा यहाँ पर ये देखिए ये जालिबीन है और ये जालिबैन है, ये मेरा वो नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, ये फांड का कसूर है। जालिबैन इसलिए कि अब अगर ये से लिख दूंगा तो वो जालिबीन भी हो जाएगा, लेकिन जालिबैन के आने से तहकीकी मवाद के हुक्म में बहुत सी आसानियां पैदा हुई हैं, जिसे हम जालिबैन की करिश्मा साजी कह सकते हैं। घर बैठे हम दुनिया के मुख्तलिफ कुतुबखानों से किताबें मुफ्त या रकम अदा करके हासिल कर सकते हैं, जो इंटरनेट के जरिए मुमकिन है। इसकी वजह से आप यहीं बैठे हुए इसी वक्त अगर आपका इंटरनेट चल रहा है, आप इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, पाकिस्तान से अल्लामा इकबाल साइबर लाइब्रेरी, वहाँ से अमेरिका से रशिया से जहाँ से चाहें आप किताबें उर्दू की किताबें हासिल कर सकते हैं, वो मिनटों का काम है, जहाँ जैसी ज़रूरत हो वो आप कर सकते हैं। 5 अगस्त से पहले मैं भी व्हाट्सएप पे ग्रुप था अलकलम के नाम से, जहाँ मैं नादिर किताबें फराहम कर दिया करता था, मुफ्त किताबें, चूँकि रिश्ता वाले आप एक एक पेज खोल करके वहाँ से पढ़ते हैं और वो एक एक पेज जब आप खोलते हैं तो रिश्ता को 40 पैसे मिलते हैं, उसके मुकाबले हमने पूरी पूरी की पूरी किताबें पीडीएफ में देने का काम शुरू किया था, जो 1.5 साल तक चला, लेकिन 5 अगस्त के बाद कश्मीर में चूंकि इंटरनेट बंद हो गया तो बंद हो गया। अभी मैं चूंकि यहाँ हैदराबाद में हूँ तो उसको फिर से मैंने रीएक्टिव किया है। आगे उर्दू में इस वक्त बेशुमार तहकीकी मवाद ऑनलाइन
दस्तयाब है, लेकिन उर्दू में तहकीकी मवाद की तलाश के लिए हमारी मशीन या दस्ती फोन में उर्दू कीबोर्ड मुतहरिक हो तो तलाश बेहद आसान हो जाएगी। अगर अंग्रेजी में आप इकबाल लिखेंगे तो भी आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो ज्यादा आसानी के साथ आप तलाश कर सकेंगे। रोमन उर्दू से मुमकिन लेकिन मुश्किल के साथ। आगे अब ये यहां पर मैंने बहुत सारी वेबसाइट दी है और वहां इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट कनेक्टेड है, वो वायर लगा तो वायर लगा लो। यहां पे इकबाल फाइबर लाइब्रेरी जो है तीसरा जो है, ये जरा कॉपी करके वहां पे यूआरएल में डालो, मैं बताता हूं कि वहां से किताबें कैसे डाउनलोड करते हैं। नहीं है, चलिए फिर, वरना मैं आपको इसलिए कि आप यहां ये जितनी वेबसाइट्स हैं यहां पर जो है BLUK इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन वहां का है दूसरा जो लिंक है, इसलिए कि अंग्रेज जब यहां से जाने लगे तो हमारा बहुत सारा विरसा, तहजीबी विरसा, खासतौर से जो नादिर किताबें हैं वो उठा के ले गए, जो वहां पर इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में मौजूद हैं। अगर आप वहां से हासिल करना चाहते हैं तो मुफ्त में है, आप दूसरी जो है वेबसाइट वहां आप जाइए, जाइए वहां पर, और वहां आपको अपना लॉगिन आईडी भी नहीं देना, ऐसे ही आपको किताबें सर्च करके निकाल लेना जो आपको चाहिए। ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल के लिए तो सोचा था कि कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन अब नहीं है तो चलो आगे। ये भी उसी तरह की वेबसाइट है जहां से आप मुफ्त किताबें PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक scribe.com से भी किताबें आपको हासिल हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप अपना कोई मजमून या अपनी कोई किताब उसको PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, फिर वो आपके लिए लिंक खोलेगा कि आप जो है वहां से दो चार किताबें या आपको जितनी जरूरत वो आप डाउनलोड करें। तो यहां से भी मैंने कुछ नादिर किताबें निकाली जी। नहीं नहीं, मैं पैसे देने वाला नहीं हूं, मैं तो देती आदमी, मैं अपनी किताब की PDF उसमें डाल करके मैंने खोल लिया और मैंने किताबें जो जरूरत थी मेरी मैंने डाउनलोड किया, मैंने पैसे नहीं पे किए। और वैसे भी हिंदुस्तान का आदमी चाहता है कि जो मुफ्त में मिल जाए वही चीज। तो ये आगे भाई, अब ये है कि ऑनलाइन जो रिसर्च स्कॉलर है, ऑनलाइन जो मवाद हासिल किया जाता है उसको आप रेफरेंस में उसका रेफरेंस कैसे देंगे, इसलिए कि वो पूरा का पूरा URL जो है जहां से भी आप ऑनलाइन मवाद हासिल कर रहे हैं वो पूरा का पूरा URL कॉपी करके आपको देना है। यहां पर ये मैंने कुछ रखा था कि ये जो है पूरा URL अभी मैं कॉपी कर देता URL तो फौरन आपके सामने वो पेज खुल जाता कि कहां से क्या लिया गया, क्योंकि ये सर सैयद का मजमून है तो ये उर्दू विकिपीडिया का है ये, तो फौरन आपको पता चल जाता कि कहां से लिया हुआ है। नेक्स्ट, ये भी उसी तरह की एक मिसाल है कि हम कहां से क्या उठाते हैं। ये गुब्बारे खातिर का है, मौलाना आजाद का है तो वहाँ गुब्बारे खातिर से लिया हुआ है। ये है आगे, बस इतनी सी मेरी बात थी। और इस सिलसिले में अगर किसी को कुछ भी सवाल पूछना है, कोई वजाहत है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ।